नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और ये है छत्तीसगढ़ का नंबर वन न्यूज बुलेटिन शो सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे विभागों के बंटवारे की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल में विभागों का बंटवारा किसी भी वक्त हो सकता है। न्यूज 18 के पास मंत्रियों के संभावित विभागों की सूची भी मौजूद है और सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग मिल सकता है। जानकारी आपको देते चलें कि विभागों का बंटवारा कैसे होगा, मुख्यमंत्री के पास कौन कौन से मंत्रालय रहेंगे, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को कौन कौन से मंत्रालय दिए जा सकते हैं, इसके अलावा जो अन्य मंत्रीगण हैं उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है, इसके बारे में आपको जानकारी दें। सीएम विष्णुदेव साय जनसंपर्क, वित्त मंत्रालय, सामान्य प्रशासन मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं और इसके अलावा जानकारी आपको दे रहे हैं विभागों के बंटवारे की, तो श्याम बिहारी जायसवाल कृषि मंत्रालय की जिम्मेदारी इन्हें दी जा सकती है। और अगर बात करें लक्ष्मी राजवाड़े जो कि महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी संभाल सकती हैं, उन्हें ये जिम्मेदारी दी जा सकती है। और लगातार जो न्यूज 18 के पास लिस्ट है उसके बारे में अगर बात करें तो अभी की स्थिति कुछ इस तरह से नजर आती है जिसमें कि रामविचार नेताम को पंचायत विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है, साथ ही साथ कुछ अन्य विभाग जो अन्य जिम्मेदारियां हैं जिसमें केदार कश्यप को आदिम जाति कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। विभागों के बंटवारे की हम बात कर रहे हैं, जो मंत्रालय है जिसमें ओपी चौधरी को उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। विभागों का बंटवारा यहाँ पर इस प्रकार हो सकता है। और साथ ही साथ अगर बात करें कुछ अन्य मंत्रियों की कि इन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जिसमें कि ओपी चौधरी के अलावा अगर टंकराम वर्मा की बात करें तो टंकराम वर्मा को स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो वहीं अन्य जो स्थितियां हैं पीडब्ल्यूडी या कृषि विभाग की अगर बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल जैसे वरिष्ठ मंत्री को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है और खुद मुख्यमंत्री जनसंपर्क, वित्त मंत्रालय अपने पास रख सकते हैं। और बढ़ते आगे, रायगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय ने रोड शो किया और इस दौरान जगह जगह लोगों ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम का रोड शो कबीर चौक से शुरू होकर गांधी चौक पर जाकर खत्म हुआ। आपको बता दें कि सीएम बनने के बाद विष्णुदेव साय पहली बार रायगढ़ आए हुए थे और सीएम के रोड शो के दौरान मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। देखिए, पिछली सरकार तो घोटाले की सरकार रही, वो चावल में ही नहीं अनेकों घोटाले पिछली सरकार ने की, लेकिन हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि उन्होंने 5 किलो प्रति व्यक्ति जो फ्री का चावल कोरोना के समय देने का शुरुआत किया था उसको और 5 साल के लिए उन्होंने बढ़ा दिया है। अब 2028 तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुफ्त में मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में हार के बाद कांग्रेस में हाहाकार मची हुई है। कांग्रेस के कई जिला अध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। 12 से अधिक जिलों में बदलाव की संभावना है। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर जिला अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संगठन में बदलाव पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने कांग्रेस में बदलाव पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदलती, कांग्रेस के डीएनए में झूठ है, उसे कांग्रेस कैसे बदलेगी। वहीं कांग्रेस ने इस पार्टी में चलने वाली सतत प्रक्रिया इसे बताया। व्यक्ति बदलने से व्यवस्था नहीं बदल सकती, कांग्रेस के डीएनए में जो झूठ है उसे कैसे बदल पाओगे। आज आप पायलट जी छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रभारी बने हैं, ये तो वही पायलट है जो राजस्थान में अपने कांग्रेस की प्लेन क्रैश करा के आए हैं। इससे पहले शैलजा जी पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने ही पैसे लेने और पक्षपात का आरोप लगाया था। ये है कांग्रेस की मूल संस्कृति। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे जी ने राष्ट्रीय महासचिवों की
प्रभार क्षेत्रों में बदलाव किया है। छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी थे कुमारी शैलजा जी, उन्हें उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है, और राजस्थान में जो उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट जी, उन्हें छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। लोकसभा चुनाव को लेकर ये जिम्मेदारियां बांटी गई है। और अंबिकापुर से बड़ी खबर, हार के बाद कांग्रेस में बैठक का दौर। टीएस सिंहदेव ने बैठक ली, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई, हार की वजहों की समीक्षा हुई। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से डायरेक्शन था कि सभी जिलों में चुनाव के संदर्भ में समीक्षा बैठक की जाए। ये दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बैठक प्रदेश के संदर्भ में बुलाई थी, और उसी के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने हर जिले के लिए ऐसा निर्देश दिया था। उसी के पालन में कल सूरजपुर जिला कांग्रेस कमेटी की समीक्षा बैठक में गए थे, आज सरगुजा जिला की। काम करना है, कहीं ना कहीं हमसे अगर कोई कमी रह गई या चूक हो गई तो उसका भी ध्यान रखना है, बीते समय में ध्यान नहीं अटका के रखना है, आज जो हमको करना है अपने दायित्व का निर्वहन करना है। और छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के साथ ही योजनाओं को लेकर सियासत तेज हो गई है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी है। स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जब भी हम आरोप लगाते थे कि भ्रष्टाचार हो रहा है, गाय तक को नहीं छोड़ा, राम भगवान को भी नहीं छोड़ा, राम वन गमन पथ में भी करोड़ों का भ्रष्टाचार किया। और आज जब सरकार ने, वर्तमान सरकार ने, साय सरकार ने कहा डीएमएफ के कामों को बंद किया जाए, समीक्षा की जाए, फिर चालू हो, तो 20 करोड़ का मां दंतेश्वरी के निर्माण में जो दीवाल निर्माण होनी थी उसमें बड़ा घपला सामने उजागर हुआ है। मेरा मानना है कि कांग्रेस हर स्तर पर भ्रष्टाचार करती है, और छत्तीसगढ़ प्रदेश में विकास को अवरुद्ध करने वाली अगर कोई पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी, और पूरे देश में कांग्रेस ने ऐसे ही किया। इसीलिए तो कांग्रेस के स्थापना दिवस में लोगों को ढो के ले जाने की तैयारी है, कोई जाना नहीं चाहता। कांग्रेस ने किया, भारतीय जनता पार्टी अब खुद ही बयानबाजी करने के बजाय हम उनको चुनौती देते हैं, जब कहीं गड़बड़ी है तो सरकार आपके पास जांच करवाइए, कार्रवाई करवाइए। इस प्रकार की सिर्फ अनर्गल बातें, मिथ्या बातें करके आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते हैं। जो हमारी सरकार का की स्पष्ट नीति थी कि छोटे छोटे काम को, यह बड़ा काम है उसको बड़ा आदमी करेगा, बड़ी कंपनी करेगी, छत्तीसगढ़ के बाहर की कंपनी आके करेगी, स्थानीय बेरोजगारों को उसका लाभ नहीं मिलेगा। इसीलिए हमने उस काम को पीस वर्क में विभाजित करवाया, ताकि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे युवा रोजगार हैं, जो हमने ग्रेजुएट इंजीनियरों को छोटे छोटे काम में भागीदारी देने का जो फैसला लिया, जिसके कारण समस्त काम को छोटा करवाया गया था। मुंगेली में इस्तीफे का दौर लगातार जारी है, अब लोरमी नगर पंचायत उपाध्यक्ष अनुराग दास ने भी इस्तीफा दे दिया। दास ने सीएमओ को इस्तीफा सौंपते हुए व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। बता दें कि कांग्रेस की हार के बाद इस्तीफे का दौर जारी है। बिलासपुर में पानी की पाइपलाइन फूटी, सड़क धंसने से ये पाइपलाइन फूट गई। दरअसल हजारों लीटर पानी पाइपलाइन फूटने की वजह से बर्बाद हुआ, और घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जाना इसके पीछे बड़ा कारण माना जा रहा है। और यहां पर स्थिति क्या है आप देख सकते हैं। बिलासपुर में अमृत मिशन योजना के तहत कार्य किया जा रहा है, और कार्य के तहत आप देख सकते हैं कि यहां पर जो पाइपलाइन है वो बिछाई गई है। सबसे ताजुब की बात यह है कि ये जो पुल है काफी पुराना है, और उसी पुल के ऊपर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अमृत मिशन की जो पाइपलाइन है उसको बिछाई गई है, और उसका सीधा असर कहीं ना कहीं अब ये दिखाई देने लगा है कि जो सड़क के बीचों से होकर जो पाइपलाइन गुजरी है वो लीकेज हुई, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एक बड़ा हादसा जो है वो टला है। यहाँ पर एक बड़ी हाईवा जो है वो इस सड़क पर धस गई है, क्योंकि जिस वक्त ये हादसा हुआ यहाँ पर काफी लोग आवागमन कर रहे थे, और इस घटना में बहुत बड़ी क्षति हो सकती थी। फिलहाल यहाँ पर जो निगम अमला है वो मौके पर पहुंच चुका है, और रोड को डाइवर्ट किया जा रहा है, क्योंकि जिस समय ये घटना हुई उस समय ये रोड पर आवागमन
चल रहा था उसी दौरान ये घटना हुई है। बता दूं कि यहाँ पर करोड़ों की लागत से अमृत मिशन योजना का कार्य किया जा रहा है। यहाँ भतराई और जो कूटाघाट से पानी लाने की जो योजना है उसके तहत शहर में पाइपलाइन बिछाई जा रही है और इसी पाइपलाइन को शहर तक के लाया जा रहा है। चूंकि अभी नगर निगम जो है वो टेस्टिंग का काम कर रहा है और इसी टेस्टिंग के काम के दौरान ये देखा गया कि जो पाइपलाइन है वो कहीं से लीकेज थी, जिसकी वजह से अब आप देख सकते हैं कि स्थितियां किस तरीके से हैं। चूंकि हजारों लीटर पानी बह चुका है, निगम अमला मौके पर पहुंचूद है। हमारे साथ अजय श्रीवास्तव जी है। अजय जी, किस तरीके की ये घटना हुई और क्या आखिर कर रहा था निगम? ये जो 1100 mm की पाइपलाइन आई हुई है वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, इस पाइपलाइन की टेस्टिंग कर रहे थे। अमृत की पाइपलाइन है ये, जिस शहर की दूसरी टंकियों को भी भरने का काम चालू होने वाला है। तो वो पानी आज छोड़ा गया है टेस्टिंग के लिए जी। वो तो मान लो लीकेज नीचे रहा होगा तो बढ़ गया है लीकेज, तो प्रेशर आएगा इतना पानी का, तो वो लीकेज ज़्यादा आ गया है। इस कारण ये डैमेज भी बैठ गई, रोड भी बैठ गई आपकी, ये हो जाएगा। चलिए, ये हमारे साथ जल संसाधन निगम जल संसाधन से, और इनका ये कहना है कि कहीं पर अनियमितताएं नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग का काम चल रहा है और इस दौरान ये घटना हुई है। बहरहाल एक बड़ी घटना जो है वो यहाँ पर टली है। बिलासपुर से न्यूज 18 के लिए उमेश मौर्य। और अग्रोहा दोम के लोकार्पण कार्यक्रम में लिए चलते हैं आपको, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला मौजूद हैं। श्री राकेश अग्रवाल जी, सचिव सुशील मित्तल जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, इस ट्रस्ट के सभी पदाधिकारीगण और इस ऐतिहासिक क्षण में उपस्थित सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और प्रेस के मित्रों, आज का ऐतिहासिक क्षण, जैसा राकेश जी बता रहे थे कि देश का सबसे बड़ा यह अग्रोहा धाम और उसके उद्घाटन के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इस ऐतिहासिक क्षण में हमारे लोकसभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला के कर कमलों से इस धाम का उद्घाटन हो रहा है। मेरा भी सौभाग्य रहा है कि उनके साथ 5 साल हमने काम किया है और वो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, हमारे आदरणीय ओपी चौधरी जी, उनके विषय में बता चुके हैं। मैं चाहूंगा कि उनके स्वागत में आप सब लोग ताली बजाकर उनका स्वागत करेंगे। हमारा ये अग्रवाल समाज हमेशा मानवता की सेवा के लिए आगे रहता है और ये अग्रोहा धाम का निर्माण भी उसका एक उदाहरण है, जो सभी समाज के लिए ये बना है। और आज के इस अवसर में मैं सभी ट्रस्टियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और जैसा कि जानकारी दी गई है, सिर्फ मोबाइल के समाचार से लोगों ने सहयोग किया है और इतना बड़ा धाम यहां पर बनकर तैयार हुआ है। तो ऐसे सभी दानवीरों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आप सब लोगों से, रायगढ़ वासियों से मेरा अटूट संबंध रहा है। 20 वर्षों तक आप लोगों ने आशीर्वाद देकर भारत के संसद में हमको भेजा और 20 साल तक हमने एक लोकसभा सांसद के रूप में इस क्षेत्र का विकास का प्रयास किया है, और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आज इस छत्तीसगढ़ प्रदेश के सरकार के मुखिया के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला है। तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि अब इस क्षेत्र की सेवा मुख्यमंत्री के नाते हम करेंगे। और अग्रवाल समाज के तरफ से जो मांग आई है, हमारे ट्रस्ट के जो सम्मानीय अध्यक्ष जी और सम्मानीय ब्रिजमोहन भैया भी मांग का समर्थन किए हैं, और मुख्यमंत्री के नाते
मैं आश्वस्त कर रहा हूं कि जो आप लोगों ने यहां पर अस्पताल बनाने का सोच रखे हैं इसे। और बढ़ते आगे, रायपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया, नाले पर था अवैध निर्माण और नाले पर ये अवैध रूप से बनाया गया निर्माण तोड़ दिया गया है। दरअसल यहां पर एक गार्डन बनाया हुआ था नाले के ऊपर और इस गार्डन को तोड़ दिया गया। आनंद नगर में बुलडोजर चलाकर इस गार्डन को ध्वस्त कर दिया गया। बिलासपुर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। तोरवा पुल के पास अवैध निर्माण को हटाया गया। कुछ लोगों ने निगम के दस्ते का विरोध किया और विरोध के बीच कार्रवाई भी चलती रही। और महादेव सट्टा ऐप मामले से जुड़ी एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। दरअसल ईडी के अनुरोध पर यूएई अथॉरिटी ने महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर पर कानून का शिकंजा कस दिया है। उसके किसी भी मूवमेंट पर अब लगाम लगा दी गई है। महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर और मास्टरमाइंड सौरभ चंद्राकर को दुबई में नजरबंद कर दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर संयुक्त अरब अमीरात सरकार ने चंद्राकर के खिलाफ जारी रेड कॉर्नर नोटिस पर संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया। और महादेव ऐप मामले में भिलाई में भी एक आरोपी पकड़ा गया। फरार आरोपी दीपक नेपाली भिलाई में गिरफ्तार किया गया। महादेव सट्टेबाजी ऐप का फरार आरोपी दीपक नेपाली गिरफ्तार किया गया। क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस को लंबे समय से इसकी तलाश थी। वैशाली नगर क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का अपहरण लूट समेत उस पर कई मामले दर्ज हैं। आरोपी से पूछताछ जारी है, पुलिस जल्द बड़ा खुलासा कर सकती है। और महासमुंद में किसानों का प्रदर्शन। दरअसल किसानों ने जाम कर दिया नेशनल हाईवे 53। आपको बता दें कि झलप के पास किसानों ने चक्का जाम किया। बैंक से पैसे नहीं मिलने से नाराज थे। जिला सहकारी बैंक से पैसे नहीं मिले। आपको बता दें कि झलप के पास किसानों ने चक्का जाम कर विरोध जताया। बैंक से पैसे न मिलने की वजह से नाराजगी प्रकट की। जिला सहकारी बैंक में पैसे नहीं मिल रहे हैं किसानों को। बिलासपुर में अब डॉक्टर्स को अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में साफ साफ दवाई के नाम लिखने होंगे। बता दें कि रेड क्रॉस मेडिकल स्टोर ने गलती से गर्भवती महिला को बेबी ग्रोथ की दवाई की जगह गर्भपात की दवाई दे दी। घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने जांच के आदेश दिए हैं और अब डॉक्टर साफ सुथरी हैंडराइटिंग में दवाइयों के नाम लिखेंगे, जिससे मरीज और परिजन खुद भी दवाइयों का नाम पढ़ सकें, मिलान कर सकें। ये शासन के द्वारा समय समय पर आदेश जारी किया गया है कि जो भी मेडिकल शॉप होती है, खासकर जो डॉक्टर्स होते हैं, उनको कैपिटल लेटर में लिखना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन पे जो दवा प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या है, अक्षर और इस तरह की जो स्पेलिंग पढ़ने में गलती होती है फार्मासिस्ट के द्वारा,
जिससे कि दवा गलत जारी करने का खतरा होता है। इसलिए हमने अभी बैठक में कहा है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं वो कैपिटल लेटर में ही दवा लिखें, जिससे कि फार्मासिस्ट को और बाद में इस तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, दवा की गड़बड़ी, दवा देने में कोई गड़बड़ी न। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से आ रही एक बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी एमएलए के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी। भिंड से बीजेपी एमएलए नरेंद्र कुशवाहा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया। एमपी एमएलए कोर्ट ने यह वारंट जारी किया। मारपीट और एससी एसटी केस में आरोपी हैं। 8 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया। ग्वालियर से इस बीच एक बड़ी खबर, एमपी एमएलए कोर्ट की तरफ से जारी किया गया बीजेपी एमएलए के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट। भिंड से बीजेपी के एमएलए नरेंद्र कुशवाहा पर मामला, एमपी एमएलए कोर्ट ने वारंट जारी किया है और मारपीट, एससी एसटी केस में आरोपी हैं कुशवाहा। 8 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश है। भिंड से बीजेपी के एमएलए पर कार्रवाई की अब तलवार लटकती नजर आ रही है। बीजेपी एमएलए के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हो चुका है। 8 जनवरी को पेश होने का आदेश दिया गया है। नरेंद्र सिंह कुशवाहा भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के एमएलए, और अब खबरें 2020।